सागरिका घाट गे के बर्थडे से लेकर सिम्बा की सक्सेस पार्टी तक, यह है मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें। बॉलीवुड के ये दो स्टार आज मना रहे अपना बर्थडे। बॉलीवुड की वेटरेन एक्ट्रेस नंदा की आज बर्थ एनिवर्सरी है। नंदा का जन्म आज ही के दिन यानी 8 जनवरी 1939 को हुआ था। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और लाजवाब अदाकारा थी। जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया था तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में उन्होंने हीरो की छोटी बहन के रोल करने शुरू कर दिए थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पहचान बदली और हीरोइन बनी। शाहरुख खान स्टार है फिल्म चक दे इंडिया की प्रीति सभरवाल यानी सागरिका घाट गे का आज जन्मदिन है। सागरिका घाट गे आज अपना 32वां जन्मदिन मना रही हैं। सागरिका ने साल 2017 में क्रिकेटर जहीर खान से शादी की थी। फिल्म चक दे इंडिया के लिए सागरिका को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। बॉलीवुड को ऐतिहासिक फिल्में देने वाले बिमल रॉय की आज है पुण्यतिथि। बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक बिमल रॉय का भारतीय सिनेमा बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में बनाई जिन्हें सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। साथ ही उनकी फिल्मों से सिनेमा को नई दिशा भी मिली। शानदार कहानी के साथ बिमल रॉय की फिल्मों के गाने भी सदाबहार रहे हैं। उनकी फिल्मों के गानों को संगीतकार आज भी बेहद अहम मानते हैं। बिमल रॉय की पुण्यतिथि के मौके पर सुनते हैं उनकी फिल्मों के सदाबहार गाने। अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन एक दूसरे को कर रहे डेट। इन दिनों सोनू के टीटू की स्वीटी के हीरो कार्तिक आर्यन का नाम बॉलीवुड में बहुत जल्द डेब्यू करने वाली अनन्या पांडे के साथ जोड़ा जा रहा है। पिछले कई दिनों से कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे को बार बार एक साथ देखा जा रहा है। यह दोनों कभी डिनर तो कभी मूवी डेट के बहाने एक साथ नजर आते हैं। फिल्म फेयर के मुताबिक कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सिम्बा की टीम ने की सक्सेस पार्टी, दीपिका पादुकोण भी पहुंची। 28 दिसंबर को रिलीज हुई रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए पूरी टीम ने सक्सेस पार्टी का आयोजन किया। पार्टी की इनसाइड तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण भी पहुंची। इंडिया वीज ऑस्ट्रेलिया, प्रीति जिंटा ने किया गलत ट्वीट, हुई ट्रोल। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर ही पहली बार उससे टेस्ट सीरीज जीत ली। इसको लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, उनसे एक छोटी सी गलती हो गई जो उनको भारी पड़ गई। उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिख दिया कि बधाई हो भारतीय क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियन टीम बनने पर। बस इसी को लेकर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।